नमस्ते, आज हम बात करेंगे कि भूगोल वैकल्पिक विषय में किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो हम 350 प्लस का टारगेट मान के चलते हैं, एक अच्छा स्कोर मान के चलते हैं, जो इतना सेफ स्कोर है कि आपके जीएस में रिलेटिवली कम मार्क्स हैं तो भी आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब जब भी हम बात करते हैं तो इसमें प्रमुख चीज़ ये है कि हम स्ट्रैटेजी देखते हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद आप क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा के बाद। अब अगर आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी, पर जिन लोगों ने एक्चुअल एग्ज़ाम नहीं लिखा है अभी तक, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं और जो अभी तैयारी शुरू किए हैं, उनके लिए ये सुझाव है कि कोई भी एक टेस्ट लिखें और उसके बाद अपने आप की एनालिसिस करें। तो सबसे पहले जो इसमें हम बात करते हैं वो ये है कि हम यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं कि आप स्वयं ही अपने आप को सबसे बेटर समझ सकते हैं। तो अपनी मजबूतियाँ या आपकी जो बेस्ट पार्ट है वो समझने की कोशिश करिए, आप किन आस्पेक्ट्स में वीक थे वो समझने की कोशिश करिए, कहाँ पर आप जल्दी गेन कर सकते हैं और किन टॉपिक से आपको डर लगता है। तो ये चीज़ आप एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस करने के बाद आप एक और टेस्ट लिखेंगे जिसमें आप ये समझेंगे कि आपको एग्ज़ाम के समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एग्ज़ाम के समय मुख्य दो चीज़ों का ध्यान रखना है। मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको आता है पर उनका पेपर छूट जाता है क्योंकि वो सही समय पर अपना जवाब नहीं लिख पाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि सवाल चूज़ करना। अब ये चूज़ करना तो बहुत ही बड़ी परेशानी है, ये उतनी ही बड़ी परेशानी है जितना आप मार्केट में ख़रीदी करने जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो 2 मिनट में आ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 2 घंटे लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फटाफट अपने क्वेश्चन चूज़ कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स चूज़ करने में ही आधा घंटा निकाल देते हैं कि इसका तो मुझे ए और बी सेक्शन आता है, इसका मुझे सी और डी सेक्शन आता है, इसका मुझे ए बी सी सेक्शन आता है, अब क्या करूँ, कौन से आंसर को अटेम्प्ट करूं। तो उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले पेपर उठाइए और 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का समय निकाल लीजिए, पूरा पेपर एक बार देखिए और उसमें पहले ही मार्क कर लीजिए आप इसमें से कौन कौन से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। उससे ज्यादा टाइम आपको इस चीज में नहीं बिताना है। एक और महत्वपूर्ण चीज, कई बार ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन है उसमें 4 सबसेक्शंस हैं, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 3 सबसेक्शन हैं, इन 4 में से आपको सिर्फ 2 आते हैं और 2 बिल्कुल भी नहीं आते हैं, इन 3 में से आपको 2 आते हैं, 1 पे आप थोड़ा डाउटफुल हैं, तो आप डेफिनेटली ये वाला सेक्शन ही अटेम्प्ट करिए। क्योंकि अगर आप ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें तो आपको डेफिनेट 0 ही मिलेगा इन दोनों क्वेश्चंस में, और इसमें प्रोबेबिलिटी है कि आपको, क्योंकि उसके नज़दीक का थोड़ा बहुत पता है, आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। पर अगेन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वो जो थोड़ा बहुत आपको पता है वो आपके विषय से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि आप नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट हैं और आप शब्द समझ रहे हैं बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, जिसके बारे में बहुत सारे लोग परेशान हुए थे, तो ये शब्द क्योंकि एग से रिलेटेड है तो कुछ बायो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, ऐसा कुछ भी तुक्का नहीं लगाना है। अगर आपको आता है तो ही आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको कहीं भी अपने आंसर पेपर में ऐसा प्रूव नहीं करना है कि आप भूगोल वैकल्पिक विषय से नहीं है फिर भी आपने ये सब्जेक्ट उठाया है या ये विषय चुना है। अब तैयारी कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ तक जब मैं बोलती हूँ तो आपने सिर्फ एक एक टेस्ट लिखा है जिसके बेसिस पे आप स्वयं को एनालाइज करेंगे। अब ये जो पोर्शन है इसकी एनालिसिस मैं आपको दूसरे स्टूडेंट्स ने जो किया है उसके बेसिस पे समझाना चाहती हूँ। तो बिफोर मैं, आप अपने आप को 2 श्रेणियों में विभाजित कर लें, वो स्टूडेंट्स जो भूगोल विषय से नहीं हैं और वो स्टूडेंट्स जो भूगोल विषय से हैं। जो भूगोल विषय से नहीं हैं उनके लिए तो कुछ चीज़ें बहुत ही समझना ज़रूरी है। पहली बात तो अगर आपको कोई जगह नहीं पता है तो उसके बारे में आप कृपया करके ना लिखें। नहीं लिखना एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपने ये लिख दिया और गलत लिखा तो निश्चित तौर पे आप बचे हुए क्वेश्चंस में भी अपने मार्क्स लूज़ करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को ये समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन पढ़ के कि आपको ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं आता, आपने बस दूसरों से सुन के ज्योग्राफी विषय उठाया है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। कई बार क्वेश्चन पेपर में बिलासपुर लिखा है आपने, अब आपको पता नहीं है बिलासपुर कहाँ है, उड़ीसा में मार्क कर देगा कोई, कोई कर्नाटक में मार्क कर देगा, ऐसा नहीं है। जो जगह वहाँ जहाँ पर है आप वहाँ पे मार्क करिए, और नहीं पता है तो सिर्फ जगह का नाम लिख के छोड़ दीजिए, उसका राज्य मत लिखिए, वो भी एक ऑप्शन है।
कोई भी इनकम्प्लीट मैप नहीं चलता है। ये नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी परेशानी है। आप भारत का मैप बनाएंगे और बस पॉइंट्स मार्क करके छोड़ देंगे। अब ये एग्जामिनर के लिए एक पहेली तो नहीं है जिसको एग्जामिनर बैठ के सॉल्व करेगा कि ये क्या चीज़ है। तो अगर आपने कोई भी नक्शा बनाया है, कोई भी मानचित्र बनाया है, तो वो बिना लेबलिंग के, बिना इंडेक्स के अधूरा है। ऐसा मैप बना के आप मार्क्स नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपने किसी से सुना भी है कि मैप्स बनाना ज़रूरी है, डायग्राम्स बनाना ज़रूरी है, तो अगर इस तरीके के डायग्राम बनाते हैं तो आप मत बनाइए। उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसा माना जाता है कि GS में जो हाल ही में घटनाएँ हो रही हैं उससे अगर आप अपने आंसर्स को सब्सटैंशिएट करें तो आपको बहुत सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिल सकता है। जैसे हाल ही में अगर नेशनल हाईवे पर कोई प्रोजेक्ट क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप भारतमाला परियोजना डाल सकते हैं। हाल ही में हमने एक GS की क्लास में कवर किया है। अगर ओशन इकोनॉमी से रिलेटेड है तो आप ब्लू इकोनॉमी, ओशन इकोनॉमी के बारे में कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं। तो ये विभिन्न विभिन्न सागरमाला प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। तो ये विभिन्न विभिन्न चीज़ें हैं जो आप केस स्टडी की तरह अपने आंसर्स को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, पर जनरल स्टडीज़ का कंपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करिए। यह आपको अच्छा स्कोर करने में सहायता दिलाएगा। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी या भूगोल के स्टूडेंट्स की। जो भूगोल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ ये तकलीफ कभी भी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैप किस तरीके से बनाना है, मानचित्र किस तरीके से बनाना है। उनके साथ जो प्रमुख तकलीफ है वो तकलीफ ये है कि जहाँ भी क्वेश्चन में क्रिटिकल एनालिसिस आ गया, क्रिटिकली एनालाइज करें, इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करें, वहाँ वो घूम जाते हैं। अगर सीधा क्वेश्चन है ड्रमलाइंस क्या होते हैं, या सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं कि लैंडफॉर्म्स के बारे में समझाया जाए, पैंग की थ्योरी समझाई जाए, किंग की थ्योरी समझाई जाए, तो वो तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। पर अगर क्वेश्चन में क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर आपको अपने व्यू पॉइंट्स रखने होते हैं या अपना नज़रिया रखना होता है, तो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन लिया था, सिटी इन एरिया एंड सिटी एज एरिया, जो कि आजकल में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पर इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स में हो सकता है एक नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट ज़्यादा बेटर आंसर लिख पाए एज़ कम्पेयर टू ज्योग्राफी स्टूडेंट। तो जहाँ पर भी क्रिटिकल एनालिसिस की बात आती है, वो क्वेश्चन, वो एरियाज स्टूडेंट्स के वीक हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना पर्सपेक्टिव उतनी सहजता से नहीं डाल सकते हैं। कॉलेज तक जो ट्रेनिंग की जाती है उसमें आपको मुख्यतः कॉन्सेप्ट के ऊपर सीधा आंसर लिखने की प्रैक्टिस होती है। तो इस तरीके के व्यू पॉइंट्स बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ यहीं पर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एडिटोरियल्स पढ़ने की कोशिश करिए। उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका नज़रिया बढ़ेगा, आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा और आपको ज़्यादा स्कोर करने में सहायता मिलेगी। अब कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन तो GS का क्वेश्चन होना चाहिए था, भूगोल वैकल्पिक में आ गया। तो ऐसा नहीं है। सेम क्वेश्चन आप GS में किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं और भूगोल वैकल्पिक में किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, वो दोनों ही एक भिन्न स्ट्रैटेजी हैं। जब आप भूगोल वैकल्पिक में उस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सागरमाला परियोजना का, तो सागरमाला के सवाल को जब आप GS में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ उस परियोजना के बारे में बताएंगे, अभी तक कितने उतार चढ़ाव आए हैं, दूसरे देशों के कंपैरेटिव भारत की क्या स्थिति है, भारत क्यों अपना इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना चाहता है, किस तरीके से वो ज़्यादा चीप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन सुविधाएँ दी जा सकती हैं और पूरे भारत को नदियों के द्वारा जोड़ा जा सकता है। दूसरी तरफ जब हम ज्योग्राफी स्टूडेंट की तरह बात करेंगे तो हम ये समझाएंगे कि भारत में दक्षिण और उत्तर के क्षेत्रों में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, किस तरीके से कैनाल्स बना के इनको जोड़ा जा सकता है, कैनाल में किस तरीके से नेविगेशन हो सकता है, फिर गोगा दाहेज का जो फेरी प्रोजेक्ट है जो हाल ही में कच्छ सौराष्ट्र के क्षेत्र में शुरू किया गया, भावनगर से सूरत जोड़ा जाता है, उस केस स्टडी को लेके, जो रीजनल केस स्टडी है उस केस स्टडी को लेके आप समझा सकते हैं कि 8 घंटे की दूरी को अब आप सिर्फ 1.5 घंटे में तय कर पा रहे हैं। फिर आप नए नए सुझाव ला सकते हैं कि किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग बड़े पोर्ट हैं वो तो ऑलरेडी डेवलप हो चुके, पर अगर इनके बीच के छोटे छोटे पोर्टों को डेवलप किया जाएगा तो जो कोस्टल नेविगेशन है वो कितना स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये कोस्टल नेविगेशन स्ट्रांग हुआ तो इससे रिलेटेड जो फीडर रोड्स जा रहे हैं वो भी स्ट्रांग होंगी। तो सागरमाला परियोजना डेफिनेटली जो हमारे दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मेक इन इंडिया हुआ या आपका भारतमाला परियोजना हुआ, उनको किस तरीके से बांधने में सहायक होगा। तो इस तरीके से जब आप उसको एक भूगोल वैकल्पिक की तरह लेके चलते हैं तो आपको उस पूरे आंसर को एक ताने बाने में रखना है
जिससे ये समझ में आ सके, उसका भौगोलिक परिवेश समझ में आ सके, और उसमें कुछ कुछ रीजनल केस स्टडीज आप डाल सकते हैं जो फरक्का हल्दिया वाली है, और दूसरी केस स्टडीज आप डाल सकते हैं जिससे उस क्वेश्चन को और आसानी से आप आंसर कर सकें। अब आंसर किस तरीके से बनाना है ये वापस बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मुख्यतः यही कहती हूँ, स्पेशली पेपर टू के लिए जो आपका भारतीय भूगोल का पेपर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन डालें। उससे ये प्रतीत होता है या ये सामने आता है एग्जामिनर के कि आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ से टच में हैं और आप बहुत ज़्यादा अपडेटेड हैं, तो निश्चित रूप पर आप दूसरे कैंडिडेट्स की बनस्पत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। कई बार कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बेसिक नॉलेज ही सपोर्ट करनी होती है, जैसे लॉज की थ्योरी पूछ ली या क्रिस्टालर की थ्योरी पूछ ली, तो उन सब में एक बेसिक फ्रेमवर्क अपने दिमाग में रखिए। सबसे पहले आपको डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट से शुरू करना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट या बेसिकली थ्योरी को समझाना है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे लाया गया, उसके प्रमुख केसेस या अजम्पशंस क्या हैं, किनके बेसिस पे आप वो थ्योरी लाए हो, फिर उस थ्योरी के प्रोस एंड कॉन्स, मतलब किस तरीके से वो थ्योरी बेनिफिशियल है, किस तरीके से उसके नेगेटिव्स हैं, और फिर उस थ्योरी की एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ आप उस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप समझाएंगे। तो ये एक काइंड ऑफ जनरल फ्रेमवर्क हो गया, जो किसी भी थ्योरी का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये सारे सिद्धांत या ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं अपने आंसर में, और आज के सिनेरियो में हम उसको कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो थ्योरीज और मॉडल्स में हम ये बात करते हैं। अब कौन कौन सी रेफरेंसेस प्रमुख हैं? डेफिनेटली हम कहते हैं कि आपको एनसीईआरटी गौचिलियांग वो तो आपको जीएस के हिसाब से करनी है, पर अगर आप ज्योग्राफी भूगोल वैकल्पिक की बात करते हैं तो जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं या तो आप उनको रेफ़र करिए। डेफिनेटली हम बोलेंगे कि अगर टाइम है और आपके पास एनर्जी है तो आप फॉरेन ऑथर्स को ही प्रेफर करिए इंडियन ऑथर्स के कंपैरेटिव। दूसरी तरफ जो प्रमुख रेफरेंसेस हैं उसमें आपका आएगा योजना, कुरुक्षेत्र, ज्योग्राफी एंड यू और डाउन टू अर्थ। ये चार प्रमुख रेफरेंसेस हैं जो आपके बहुत सारी केस स्टडीज सब्सटैंशिएट करने में हेल्प करेगी। जैसे हाल ही में कुरुक्षेत्र का जो रूरल टूरिज्म का एडिशन था उसमें इको टूरिज्म की केस स्टडीज थी जो नागालैंड और मिजोरम के क्षेत्रों की थी, तो वो सारी केस स्टडीज आपके कोई भी इको टूरिज्म का अगर सवाल पूछा जाता है तो आप उसमें सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, और उसमें आप नीचे साफ साफ रेफरेंस दे सकते हैं कि ये केस स्टडी हमने कुरुक्षेत्र के नवंबर या दिसंबर एडिशन से ली गई है जहाँ पर रूरल टूरिज्म की या ग्रामीण पर्यटन की बात की गई थी। तो योजना और कुरुक्षेत्र अगर आप इतनी सारी मैगजीन्स पढ़ने का टाइम नहीं निकाल सकते हैं तो इनकी समरी तो हम वीडियोस में कवर कर ही रहे हैं, तो वो समरी आपके लिए सफिशिएंट होनी चाहिए, या आप हैंडआउट्स में देख सकते हैं एग्जाम रेस के करंट अफेयर्स सेक्शन में। ज्योग्राफी एंड यू और डाउन टू अर्थ में अगर आप पूरा कवर नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, स्पेशल आर्टिकल्स, जैसे डाउन टू अर्थ में हाल ही में एक आर्टिकल मानसून पर आया था और मानसून पर ही वापस आपके मानसून फ्लक्चुएशन पर सवाल पूछा गया था इस बार के मेंस में, तो ये कुछ प्रमुख आर्टिकल्स हैं जो आपको फोकस करने होंगे। इसके अलावा फोकस एरियाज़ क्या क्या हैं? तो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से बहुत सारे जो सवाल पूछे जाते हैं वो रीसेंट हैपनिंग्स पे हैं, तो जितनी भी रीसेंट परियोजनाएं आई हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें भी आपका भौगोलिक परिवेश है वो तो सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा पर्यावरण, सस्टेनेबिलिटी या सतत विकास, ये दो ऐसे इश्यूज़ हैं जो आजकल बहुत लाइमलाइट में हैं, तो कार्बन ट्रेडिंग, क्योटो प्रोटोकॉल, सीईपी समिट, ग्लोबल प्रोग्राम्स जो पूछे जाते हैं उन पर हर साल एक सवाल आता है। सस्टेनेबिलिटी जो कि आपका सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, वो भी आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, मॉनसून फ्लक्चुएशन से रिलेटेड हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रेडिक्टेबल हैं कि इनमें से तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो उन क्वेश्चंस के अगर आप आंसर्स अच्छे से तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने ऑप्शनल में। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करिए क्योंकि लिखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सारे आंसर्स के लिए आपके पास में एक मेंटल स्कीम होनी चाहिए कि आपको आंसर्स किस तरीके से फ्रेम करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करिए, केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स डालने की कोशिश करिए। कई जगह आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं, जैसे अगर ऑयल एक्सपोर्ट की बात की जा रही है तो पहले वहाँ पर इंडिजीनियस लोग थे, किस तरीके से ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ, फिर किस तरीके से ऑयल क्राइसिस आई, कौन कौन सी कंट्रीज थी या कौन कौन सी ग्रुप्स थे जिन्होंने उस ऑयल एक्सप्लोरेशन में आप मदद की, तो उस तरीके की चीज़ें आप सामने ला सकते हैं।
और हमेशा आप जो भी क्वेश्चन चुने, जैसा कि हमने पहले कहा था, आप सारे सब पार्ट्स चेक करें और ये देखने की कोशिश करें कि किस क्वेश्चन में आप सबसे ज़्यादा सब पार्ट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को करने की कोशिश करें और सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को एटलीस्ट आप टच कर दें। अगर टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप एटलीस्ट नाम मेंशन कर सकें, इतना तो करना ही करना है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो दूसरे स्टूडेंट्स जो टेस्ट भेजते रहते हैं उनके बेसिस पे इवैल्यूएट करके हमने निकाली है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी टेस्ट के लिए सब्सक्राइब हैं, अपने टेस्ट लगातार भेजते रहिए ताकि आप वो फीडबैक्स अगले टेस्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकें और उसको और बेहतरीन बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।